हेलो फ्रेंड, आप सभी को हमारे चैनल डीएफ टेक्निकल में स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप अपने शॉर्ट वीडियो को वायरल कैसे कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल इजीली तरीके से। जी हाँ दोस्तों, मैं आप लोगों को यहाँ पर तीन ऐसी ट्रिक बताने वाला हूँ जिससे आप अपने शॉर्ट वीडियो को 100% वायरल कर सकते हो। क्या वो तरीका है और किस तरह से आपको यहाँ पर शॉर्ट वीडियो वायरल करना है और किस तरह का आपका शॉर्ट वीडियो बनाना है, वो भी मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को अंत तक आप लोग जरूर देखें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, मैं पहले आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि अगर आप शॉर्ट वीडियो क्रिएट करते हैं, सिर्फ शॉर्ट वीडियो क्रिएट करते हैं, तो फिर आप लोगों को ये जो ट्रिक जो मैं आप लोगों को बता रहे हैं वो आप लोगों को जानना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप लॉन्ग और शॉर्ट दोनों कन एक ही चैनल पर अपलोड कर रहे हैं तो इसके बारे में भी मैं आप लोगों को आगे इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो को आप लोग जरूर अंत तक देखें। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो अभी से लाइक कर दें, क्योंकि वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। मैं अपने मोबाइल पर जाकर आप लोगों को वीडियो अपलोड करके और शॉर्ट वीडियो कैसे आपको क्रिएट करना है और कैसे अपलोड करना है, यहाँ तक कि आप शॉर्ट वीडियो में थंबनेल कैसे लगा सकते हैं, वो भी मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को आप लोग अंत तक अगर देखोगे तो जरूर सब समझ जाओगे। तो चलिए चलते हैं मोबाइल के स्क्रीन पर, वहाँ से मैं आप लोग को ए टू जेड बताते हैं कि कैसे अपने शॉर्ट वीडियो को वायरल कर सकते हैं। तो फाइनली दोस्त, हम अपने मोबाइल के स्क्रीन पर आ चुके हैं और यहाँ से मैं आप लोग को ए टू जेड बताएंगे कि आप अपने शॉर्ट वीडियो को किस तरह अपलोड करके वायरल कर सकते हो। तो फाइनली दोस्त, पहले हम यहाँ पर वीडियो को अपलोड करेंगे यूट्यूब एप्लीकेशन से, ठीक है। तो हम अपना यूट्यूब एप्लीकेशन को ओपन कर लिए, उसके बाद यहाँ पर प्लस के आइकन पर हम क्लिक करके वीडियो अपलोड पर क्लिक करेंगे, ठीक है। वीडियो अपलोड यहाँ पर शॉर्ट क्रिएट पर नहीं करना है, ओके। यहाँ पर वीडियो अपलोड पर हम यहाँ पर एक अपना वीडियो को ले लेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पर एक अपना वीडियो को ले लिए हैं यहाँ पर, उसका बाद हम इसे नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे, यहाँ पर हमें अगर कुछ लिखना है तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसे हम यहाँ पर नेक्स्ट पर फिर क्लिक करेंगे, उसका बाद फिर यहाँ पर इस तरह का आ गया। अब यहाँ हमें अपलोड करना है, ठीक है। अपलोड करना है और अपलोड के समय हमें क्या वो ट्रिक है जो कि मैं आप लोगों को यहाँ पर फर्स्ट ट्रिक बता रहा हूँ, ठीक है। मैंने वीडियो में आपको बताया था कि मैं आप लोगों को तीन ट्रिक बताऊँगा, ओके। तो ये यहाँ हमारा फर्स्ट ट्रिक स्टार्ट होता है जो कि टाइटल, ठीक है। टाइटल वीडियो को किस तरह के लिखना चाहिए, यहाँ पर ये जो हम वीडियो अपलोड कर रहे हैं ये कुछ भी यहाँ पर सर्चिंग का नहीं है, ठीक है। जो कि लोग सर्च करके देखेगा, ये वीडियो हमारा आएगा शॉर्ट फीड में और शॉर्ट फीड से लोग इसे अगर पसंद करेगा तो लाइक और कमेंट मिलेगा, इसे मेरा वीडियो वायरल होगा। तो यहाँ पर दोस्त, पहले हम अपना टाइटल जो है वो यहाँ पर एक हिंदी में लिखना है, ठीक है। क्योंकि हमारा इंडिया का जो भी सब्सक्राइबर है या फिर इंडिया में हम इसे सेलेक्ट करके रखे हैं, जो कैटेगरी होता है चैनल का वो हम इंडिया सेलेक्ट कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है ये इंडिया में शॉर्ट फीड में जाएगा और जितना भी इंडिया यूजर्स है सभी को हिंदी ज़रूर आता होगा। तो फाइव टाइटल हमें यहाँ पर हिंदी लिखना है, जो कि बहुत ही या जितना भी वीडियो वायरल हो रहा है सभी को देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह टाइटल लिख कर अपने वीडियो को वायरल कर रहा है। तो सिंपल से यहाँ पर हम अपना टाइटल लिख, दोस्तों कुछ इस तरह से हम यहाँ पर अपना टाइटल जो है सो हिंदी में लिखे हैं, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं यह क्या हो गया। उसके बाद यहाँ पर हम इमजो सेलेक्ट कर दिए, यह क्या हो गया है ये हम किस लिए लिखे हैं कि यहाँ पर लोग जैसे ही देखेगा टाइटल पढ़ेगा यह क्या हो गया उस पर क्लिक करेगा, ठीक है। आखिर की क्या हुआ है लोग यहाँ पर देखेगा। इस तरह कुछ सस्पेंस क्रिएट करना पड़ता है यूजर्स को बीच में जो कि वीडियो को देखे, ठीक है। अब यहाँ पर हमें हैशटैग क्या क्या लगाना है वो आप लोगों को यहाँ पर देखना होगा, क्योंकि हैशटैग ज़्यादा आप लोगों को यहाँ पर नहीं लगाना है, ठीक है। मैं आप लोगों को यहाँ पर हैशटैग लगा कर दिखा रहा हूँ दोस्त, यहाँ पर हैशटैग शॉर्ट्स, हैशटैग शॉर्ट्स लिख दिए। उसका बाद फिर यहाँ पर हैशटैग शॉर्ट लिखना है, ओके शॉर्ट। हैशटैग शॉर्ट, हैशटैग शॉर्ट, हैशटैग आ रही है। उसका बाद यहाँ पर यूट्यूब शॉर्ट, ठीक है, हैशटैग यूट्यूब शॉर्ट। चलो हमने यहाँ पर तीन हैशटैग का यूज किया है, हैशटैग शॉर्ट्स, हैशटैग शॉर्ट, हैशटैग यूट्यूब शॉर्ट, ओके। तो ये हमारा टाइटल यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर ऑडियंस के अगर हम आएंगे तो यहाँ पर ऑडियंस के बारे में आप देखिए पहले सिंपल तरीके से, ठीक है। नोट फॉर किड्स और यहाँ पर एफ टी मोड फॉर किड्स, इसका मतलब यह है कि अगर आप बच्चों को सिर्फ दिखाना चाहते हैं ये वीडियो तो यस किड्स पर रखोगे, उसका बाद अगर आप चाहते हैं सिर्फ बड़े हमारे वीडियो को देखें तो यहाँ पर नोट आई टी नोट फॉर किड्स हो, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों कभी भी आपको शॉर्ट वीडियो या फिर लॉन्ग वीडियो का अगर आप अपलोड कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर नो पर ही सेलेक्ट करना होगा, ओके।
नो पर सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद ये हमारा ऑडियंस सेलेक्ट हो गया है, बड़े आदमी के पास जाएगा। कमेंट मेरा अलाव है पहले से, उसके बाद हम अपलोड वीडियो पर यहाँ पर क्लिक नहीं करेंगे अभी, क्योंकि हमें इस पर थंबनेल लगाना है, ठीक है। बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन आ रहा था कि वीडियो में थंबनेल कैसे लगाएं, तो देखो यहाँ पर पेंसिल का आइकन जो दिख रहा है ना, इस पर हम क्लिक करेंगे। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे ये प्रोसेस लेगा, उसके बाद यहाँ पर कुछ तरह इस तरह से आ जाएगा जो हम थंबनेल यहाँ पर लगा सकते हैं। देखिए जो भी थंबनेल हम यहाँ पर लगा सकते हैं वो 100% यहाँ पर लग जाएगा। ओके, तो चलिए हम ये थंबनेल लगा देते हैं। ये अच्छा दिख रहा है, ये भी अच्छा दिख रहा है। चलो तो हम इसे थंबनेल को यहाँ पर सेट कर दिए हैं, उसके बाद अपलोड वीडियो पर क्लिक करना है। यहाँ पर देखिए हम इसे अनलिस्टेड अभी भी कर रखे हैं, ठीक है, अभी भी इसे अनलिस्टेड कर रखे हैं, और यहाँ पर हम अपलोड वीडियो पर क्लिक कर देंगे। ये वीडियो जो है सो हमारा जो यहाँ पर अपलोड हो रहा है, जैसे कि हम अपलोड वीडियो पर यहाँ पर देखें, ये हमारा चेक कर रहा है, ठीक है, वीडियो ये हमारा चेक कर रहा है कि किस तरह से हम अपना वीडियो को वायरल करें। ये हरा वाला पूरा हो चुका है, इसका मतलब मेरा ये वीडियो 100% हो चुका है। अब ये वीडियो को हम यहाँ YT स्टूडियो में इसे और भी कुछ जो है वो लगाएंगे। यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखें क्या लगाना है, ठीक है। हम कंटेंट पर जाएंगे, शॉर्ट पर जाकर इस वीडियो को हम देखेंगे, ठीक है। इस शॉर्ट वीडियो को अब हमें यहाँ पर एक दो दूसरा ट्रिक जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ वो आप लोगों को यूज करना है, डिक्टेशन, ठीक है। तो सिंपल से यहाँ पर टाइटल को कॉपी करेंगे, उसका बाद यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। ये हमने पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पर हमें हैशटैग कुछ लगाना है, ठीक है, हैशटैग कुछ लगाना है। तो हैशटैग पहले से हम यहाँ पर डाल दिए, तो हमें अब हैशटैग का यूज नहीं करना है। अब हम यहाँ पर MOKMR इंडियन है करके देना है, ठीक है, MR इंडियन है कर यहाँ पर मेंशन करना है, ठीक है, MR बड़े चैनल जो भी है उसे यहाँ पर चलो MR है इंडियन हैकर को हम यहाँ पर देखिए इस तरफ से दे दिया हूँ। उसके बाद फिर से हम हैशटैग लगाएंगे और फिर से यहाँ पर हम इंडियन हैकर शॉर्ट्स को देंगे, ठीक है, MR इंडियन हैकर। चलो देख लेता हूँ आया है नहीं यहाँ पर कुछ, अरे हाँ हैच नहीं, हम हैच टैग दे दिया था यार, भाई तो प्रॉब्लम हो रहा था। चलो MR इंडियन हैकर शॉर्ट्स, यहाँ पर देखिए इंडियन हैकर शॉर्ट आ गया, ये मेरा दो लग गया। उसके बाद तीसरा हम अपना चैनल को भी यहाँ पर मेंशन कर देते हैं, मेरा जो मेन चैनल है DF टेक्निकल को दे देंगे, ठीक है, टेक्निकल को। चलो हम यहाँ DF टेक्निकल को दे दिए। उसके बाद फिर यहाँ पर बड़े चैनल जो है वो हम आप लोगों को यहाँ पर दिखा रहे हैं, सी की बहुत सारे यहाँ पर आप लोगों को बड़े चैनल मिल जाएगा, उसे आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम मनोज दे का भी कर सकते हैं, क्योंकि मनोज दे का भी बहुत बड़े ऑडियंस है। चलो तो दोस्तों इस तरह सा कुछ यहाँ पर हम ये लगा दिए। उसके बाद यहाँ पर अब ये मेरा काम दूसरा टिप जो मैं आप लोगों को बता रहा था वो कंप्लीट हो चुका है। अब तीसरा ट्रिक की अगर बात करें तो यहाँ पर टाइटल और कैटेगरी आता है, ठीक है, टाइटल और कैटेगरी। तो ये वीडियो मेरा किस पर है, पॉपुलर एंड ब्लॉग पर हम क्लिक कर रखे हैं। आप जिसके बारे में भी बना रहे हैं, जो भी कैटेगरी का आप बना रहे हैं, अगर आप फनी से बना रहे हैं तो फनी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, अगर आप कॉमेडी बना रहे हैं कॉमेडी, इंटरटेनमेंट टाइप और यहाँ पर कुछ तरह से आप बना रहे हैं, यहाँ पर सारे कैटेगरी आपको मिल जाएगा, वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर अगर टाइटल के बात करें दोस्तों तो यहाँ टैग के बात करें तो यहाँ पर बहुत सारे टैग आप लोग लिख सकते हो, नहीं तो कोई भी बात नहीं है, क्योंकि जितना भी वीडियो वायरल हो रहा है वो यहाँ पर कुछ भी यूज नहीं करता है। लेकिन यहाँ पर हम शॉर्ट लिख देते हैं, ठीक है, शॉर्ट हम लिख देंगे, शॉर्ट्स लिख देंगे, उसके बाद फिर शॉर्ट वीडियो लिख देंगे, ओके, शॉर्ट्स। इस तरह से हम यहाँ पर अपना टैग को कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद हम यहाँ पर सेव पर क्लिक करेंगे, ठीक है, जैसे हमारा ये सेव हो चुका है, उसके बाद यहाँ पर हम और एक काम करेंगे, ठीक है, शेड्यूल पर इसे हम सेट करेंगे, अनलिस्टेड पर आकर हम यहाँ पर शेड्यूल लगाएंगे, ठीक है। तो ये आज 16 तारीख है जो मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ, तो आज ही के दिन हमें यहाँ पर सेलेक्ट करना है टाइम कितना बजे हम इसे पब्लिश करेंगे, ठीक है, तो हम इसे पब्लिश करेंगे 7 बजे, ठीक है, 7 बजे पब्लिश करेंगे, तो हम इसे ओके कर देते हैं। चलो यहाँ पर सेट हो चुका है, उसके बाद हम इसे सेव पर क्लिक कर देंगे,
पोस्ट सेलेक्ट यू डेटा टाइम, हाँ सही है सब कुछ ओके। तो दोस्तों इस तरह से यहाँ पर हम इसे सेव कर देंगे, उसके बाद ये यहाँ पर सेव कंप्लीट हो चुका है ठीक है। तो ये हमारा शेड्यूल में लग गया है, इसलिए कर हम यहाँ पर शेड्यूल में लगाएं कि YouTube इसे भेजेगा, बहुत सारे लोगों को भेजेगा, इससे हमारा रीच शॉर्ट वीडियो का ज़्यादा मिलेगा और शॉर्ट वीडियो वायरल होने का चांसेस जो है सो 100% बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर इमजो का आप लोग जरूर यूज कीजिएगा ठीक है, जो हम यहाँ पर इमजो का यूज किए हैं, इस तरह का इमजो का भी आप यूज कर सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, उस पर हम जरूर आंसर देने का कोशिश करेंगे। तो आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद जय भारत।